स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट कीज़ और नमेरिक कीपैड की बात की थी, वो आपको मैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर आई विल शो यू सेपरेटली। अल्फ़ाबेट कीज़ में इस तरीके से जो कीपैड है, अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो इस तरीके से शो होते हैं हमारे कीबोर्ड में। एंड इस तरीके से क्या होता है, हमारा न्यूमेरिक कीपैड होता है। न्यूमेरिक कीपैड पैड में हमारे नंबर्स होते हैं फ्रॉम 0 to 9। एंड एक सीरीज़ हमारी इस तरीके से होती है, एक वर्टिकली होते हैं, देन वन क्या होता है, हॉरिजेंटली होते हैं। नाउ लेट अस टाइप माय नेम इज अमित टू द गिवन स्पेस, वर्ड प्रेस स्पेस बार की वंस। क्या करेंगे अगर किसी का नेम राइट करना है, माय नेम इज अमित, देन इफ यू आर राइटिंग माय, देन आफ्टर दैट माई के बाद क्या करना है, स्पेस बार की प्रेस करनी है, देन नेम को प्रेस करना है, नेम के बाद स्पेस बार फिर से प्रेस करना है, फिर आई और एस की प्रेस करेंगे, देन क्या होगा, फिर से हमें स्पेस बार देंगे तो हमारा क्या होगा, एक सेंटेंस फॉर्मेशन बन जाएगा, माई नेम इज अमित। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैप्स लॉक की। बेसिकली इट इज़ यूज टू टाइप अल्फ़ाबेट्स इन कैपिटल लेटर्स। टू टाइप अल्फ़ाबेट्स इन कैपिटल लेटर प्रेस द कैप्स लॉक की वंस, प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन टू टाइप इन स्मॉल लेटर्स। क्या करना स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी चीज़ कैपिटल लेटर्स में राइट करनी है या भी कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर्स में राइट करना है, तो सिंपली क्या करना है, आपको कैप्स लॉक की प्रेस करनी है, देन क्या होगा, आपका जो भी रिटन मटेरियल आप उसके बाद टाइप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर्स में राइट हो जाएगा। देन आप क्या करेंगे, अगर आपको फिर से अपने लेटर्स को स्मॉल लेटर में करना है या फिर आपको फिर से स्मॉल लेटर्स में ही कोई आगे की वर्ड्स राइट करने हैं, देन आप क्या करेंगे, फिर से आप कैप्स लॉक की को प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो स्मॉल लेटर्स में लिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं एक बेस्ट इमेजिनेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, प्रेस द कैप्स लॉक की वंस, द कैप्स लॉक की लाइट विल बी टर्न ऑन। नाउ टाइप आई स्टडी, प्रेस द कैप्स लॉक अगेन इन क्लास, प्रेस द कैप्स लॉक अगेन सेकेंड। पहले क्या करना है स्टूडेंट, आपने अगर जो भी कैप्स लॉक की प्रेस किया है तो आपके जो कीबोर्ड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में एक ग्रीन कलर की लाइट ग्लो करेगी, जलने लगेगी। तो आप क्या करेंगे, जब उसे प्रेस करेंगे तो आपका जो आई स्टडी, तो फर्स्ट टाइम आप प्रेस करेंगे कैप्स लॉक तो क्या होगा, आई स्टडी आपका कैपिटल लेटर्स में लिखेगा। अगेन आप अगर प्रेस कर देंगे कैप्स लॉक की को तो आपका क्या होगा, स्मॉल लेटर्स में लिखना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ एरो की। एरो की बेसिकली देर आर फोर एरो कीज, एरो कीज फोर होती है हमारी, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। द एरो कीज आर द सेट ऑफ कीज विच आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन, जो कर्सर को मूव कराने के लिए हेल्प करती हैं। तो अप एरो की का वर्क क्या होता है, जो अप साइड करने के लिए यूज़ करते हैं, डाउन एरो की का यूज़ हम डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं, लेफ्ट का लेफ्ट साइड में करने के लिए अपने पेज को, एंड राइट को राइट साइड करने के लिए। नाउ बैक स्पेस की। बैक स्पेस की इज यूज टू इरेज कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। बैक स्पेस की क्या करेगा, जो भी आपने कैरेक्टर्स लिखे हैं, जो भी आपने सेंटेंस फॉर्मेशन किया है, उसको लेफ्ट साइड से रिमूव करेगा, इरेज करेगा। यानी कि इफ यू आर टाइपिंग आई लव माई स्कूल, अगर आपने टाइप किया है आई लव माई स्कूल, देन लव की स्पेलिंग क्या है, LOVE, तो इसमें क्या है, मिस्टेक है, एंड स्कूल में भी मिस्टेक है। यू योर कर्सर इज आफ्टर आई ऑफ स्कूल, तो अब क्या करेंगे, प्रेस करेंगे लेफ्ट एरो को, एक बार आप लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे, देन क्या करेंगे, कर्सर को ओ के पास लेके आएंगे, जहाँ पे ओ है कर्सर को वहाँ पे क्लिक कर देंगे, देन क्या करेंगे, हम बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा कर्सर वहाँ पे शो होने लगेगा और वो जो हमारी मिस्टेक्स हैं या फिर जो एरर्स हैं उसको रिमूव कर देगा। रिमूव द एक्स्ट्रा ओ, सिमिलरली रिमूव द एक्स्ट्रा एच एंड
वी फ्रॉम द एबव। स्टूडेंट्स जैसे आपने ओ रिमूव किया है सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, एच और वी जो एक्स्ट्रा लेटर्स हैं या जो स्पेलिंग को एरर कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं उसको आप वहाँ से सिमिलरली रिमूव कर देंगे। ओके स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन। ओके इफ देर इज एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेरी देन कॉमेंट मी, आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू, बाय बाय, मीट इन नेक्स्ट सेशन।